इंडो नेपाल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2018 में स्केटिंग रेस और रोलर बास्केटबॉल सहित डांस स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में सम्मानित किया गया। स्केटिंग रेस राजस्थान के सेक्रेटरी दिनेश शर्मा ने बताया कि अजमेर शहर से विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे, जो 20 जून से 23 जून तक काठमांडू नेपाल में आयोजित की गई थी। शहर के सभी खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में अलग अलग गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। शनिवार को इन सभी विजेता खिलाड़ियों का स्वामी समूह के सीएमडी कल प्रकाश कृष्णानी ने माला पहनाकर सम्मान किया और खिलाड़ियों से 3 दिन प्रतियोगिता में शामिल होने के विषय में जानकारी हासिल की। आगे चलने के लिए कुछ अनुशासनित तरीके से रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुछ संस्कार हैं, उन लोगों के, हमारे पेरेंट्स ने हमको जो संस्कार दिए, आपके पेरेंट्स जो अप साइड के ऊपर गए वो किसी कारण से गए, उनमें आप लोगों को भी चयन यदि स्पोर्ट्स की तरफ भेजा है तो उस तरफ आपको ध्यान देना है कि हमको अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, संस्कारित तरीके से, भारतीयता के तरीके से, क्योंकि हमको गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं और इस चीज को जब आप जीतेंगे तो आप हिंदुस्तानी जीतेगा, आप जीतोगे, आपके नाम जीतेगा कि मोनिका ने जीता, कविता ने जीता, रोहित ने जीता, जीता डेफिनेटली जीता, परंतु तो उसके साथ साथ जीतने के साथ साथ इंडिया ने जीता, हमारे भारत ने जीता, हमारे हिंदुस्तान ने जीता, क्योंकि आप खेल रहे हैं, खेलने के अंदर अपनी कंट्री को ध्यान रखें, क्योंकि आप कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करके बाहर जा रहे हैं और आपने बाहर विदेश जीत किया है, विदेश में जाके जीत किया है और बहुत अच्छे तरीके से जीते, उसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाल ही में अभी नेपाल में हुई इंडो नेपाल फेस्टिवल कॉम्पिटिशन में बच्चों ने अभी गोल्ड मेडल जीता, जिसके अंदर रोलर बास्केटबॉल टीम के अंदर अंडर 11 एज ग्रुप गया था बॉयज़ का और अंडर 14 बॉयज़ और गर्ल्स दोनों गए थे, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता तीनों एज ग्रुप के अंदर। इसके अलावा स्पीड में हाल ही में स्पीड में भी कंपटीशन था 24 जून जिसमें बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों मेडल जीते और अपने गोल्ड मेडल 10 थे, गोल्ड मेडल 10 हैं, ब्रॉन्ज मेडल 6 हैं और सिल्वर मेडल 8 हैं। इसके अलावा जो बच्चे थे उनमें अपने बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया और तो दूसरी और भी टीम आई थी जो अपने शिखर इधर से भी आई थी, उसके अंदर भी अपने अजमेर के बच्चे इतने अच्छे थे कि अजमेर के बच्चों के ऊपर ही दूसरी टीम को इंडिया के अंदर डाला और उसको जिताया है। अजमेर के बच्चे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शक तरोताज़ा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।